الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا قال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदन तेरा जमीनों आसमां तेरे है मौजूद आदम तेरा जो दुनिया में तेरा खा कर तेरे शिकवे करे यार जो दुनिया में तेरा खा कर तेरे शिकवे करे यार ताज्जब है कि उन पर भी रहे लुत्फो करम तेरा यार अब तेरे कर्म का दरे फैज बाज है बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है बेचारगी के वक्त टेंशन से मुसीबत के वक्त बेचारगी के वक्त कोई चारा साज है बंदा नियाज बंद है और तू बेनियाज है अगर
अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का कहे इंशाअल्लाह। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। नमाज वाला जरूर शरीफ पढ़ो। मुअज्जज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, बापर्दा बाहया, मोहतरमा मुअज्जज़ा मुकर्रमा माओ बहनों अज़ीज़ बेटी, दावत और तबलीग की निस्बत से आप हज़रात की ज़ियारत और मुलाकात हो रही है और आज की खूबसूरत मुलाकात का जरिया उस्ताज़ुल कुर्रा महबूबुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाबे कारी मेहताब अरशद साहब, उनकी पुरखलूस मोहब्बत भरी दावत पर मैं हाजिर हूं। मदरसा रियाज़ुल जन्नत है, मस्जिद अस्हाबे सुफ़ा है। बहुत खुशी हुई है आप हजरात को देखकर, तकाजों को दबाकर आप अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए आए हैं, मर्द हैं या औरतें हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी की बरकत से आपको मक्का मदीना की हाजिरी नसीब हो। आमीन। सब ने कह दिया। बयान इंशाअल्लाह अज़ीज़ 50 या 55 मिनट तक उम्मीद है, अल्लाह ने फजल फरमाया तो बयान होगा, लेकिन बयान जो है मकसद जिंदगी और मकसद हयात का होगा। मेरे और आपके आने का मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत, नबी की इताअत, कुरान की हिदायत, सहाबा की अकीदत, अहले बैत की मोहब्बत, वालदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जिस रास्ते पे इंसान चलता है, मेरी तरफ देखो, उसके ज़र्रात भी नजर आते हैं और जिस रास्ते पे नहीं चलता उसके पहाड़ भी नजर आते हैं। इंसान दरख्त नहीं के खड़ा रहे, इंसान पत्थर नहीं के पड़ा रहे। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इसे चाहिए कि याद खुदा में लगा रहे। आसमान सजता है सितारों के साथ, जमीन सजती है उसके प्यारों के साथ। आपने क्या कहना है, कह के सुना सको, थोड़ा ऊंची कहो। मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी है, मकसद हयात अल्लाह की याद है। बंदा वही है जो बंदगी करता है, जो बंदगी नहीं करता वो बंदा नहीं है, वो गंदा है, सरासर झूठ और फरेब का पलंदा है। अल्लामा इकबाल भी इसी मकाम पर फरमाते हैं, ना तू जमीन के लिए है ना आसमान के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ना अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाना है, अल्लाह की मर्जी से आए हैं अल्लाह की मर्जी से जाना है, तो फिर दरमियानी हिस्सा जिंदगी का वो भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही गुजरना चाहती है। बात समझ आ रही है। वैसे आपकी आदत है खामोश बैठना सुनने, ताकि सुभान अल्लाह का सवाब खाते में ना लिखा जाए।
मेरे और आपके अंदर दो चीजें आ जाए, गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, नमाज पढ़नी आसान हो जाएगी, रोजा रखना आसान हो जाएगा, जकात देनी आसान हो जाएगी, हज करना आसान हो जाएगा, माँ बाप की इज्जत अजमत करना आसान हो जाएगा, मदारिस मसाजिद बनाना आसान हो जाएगा। दो चीजें मेरे और आपके अंदर आ जाए, पहली बात अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा हो जाए, दरबार खुदाबंदी में पेशी का खौफ पैदा हो जाए। दो चीजें मालिक कायनात ने फरमाया, मेरा बंदा आसमानों की पिनाइयां तेरे लिए, जमीन की रानाइयां तेरे लिए, समंदर की गहराइयां तेरे लिए, फलक पे चमकते हुए सितारे तेरे लिए, हवाएं तेरे लिए, फिजाएं तेरे लिए, ये मरगजाल तेरे लिए, ये वसी वाली कायनात मैंने इंसान के लिए बनाई है और इंसान को मैंने अपनी याद के लिए पैदा किया है, इसलिए तो मालिक ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंस इल्ला खेतियां सरसब्ज है तेरी रिजा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी रिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, बर बर अर्जो समा माओ सुना के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। मौलाना ईसा साहब रात की तरफ से हटकर नजर दूसरी तरफ जा रहा, मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए फरमाया कि भाई मकसद है याद करो, 50-60 साल जिंदगी दुनिया के अंदर गुजार कर कब्र में अल्लाह को क्या जाना। सैयदना सिद्दीक अकबर का फतवा सुन लो, फरमाया जो बगैर आमाल के कब्र के अंदर जा रहा है, मर्द है या औरत है, अमीर है या गरीब है, फकीर है या बादशाह है, काला गोरा अरबी अजमी, जो बगैर आमाल के मरता है कब्र में जाता है, वो ऐसा ही है जिस तरह के कोई बगैर किश्ती के दरिया में गर्क रहता है। बयान के अंदर फोन का आना, ये फोन नहीं होता, ये खून होता है, तकरीर का खून हो जाता है। इसलिए जो 15 मिनट आधा घंटा बैठना वो बैल बंद करके बैठना, तो दिन तीन तरह के, ये देखो कितने बुजुर्ग बैठे, 50 साल होना, 60 साल होना, गुजरे हुए साल वापस आ सकते हैं? कल वाले दिन का पता है क्या होने वाला है? जल्दी करो, गुजरे हुए साल वापस नहीं आ सकते, कल वाले दिन का किसी को पता नहीं क्या होने वाला है, कल तो दूर की बात है, पल का पता नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की। सारे बोलो, तो बुजुर्गों ने लिखा है आज जो दिन तेरी जिंदगी में आया उसी दिन में अपने मालिक और खालिक को राजी कर ले। सफर लंबा है मंजिल दूर या कुछ देर सस्ता ले, बड़ा लंबा सफर, सफर लंबा है मंजिल दूर या कुछ देर सस्ता ले, सराय को कभी घर जान कर आया नहीं करते, ठिकाना गोर है तेरा, गोर किसको कहते हैं, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत को
कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं इबादत कर कर के अपने बदन को थकाया करो, मेरा जुमला जाया ना करो, इधर देखो, इबादत कर कर के अपने बदन को थकाया करो, रातों को उठकर इन आंखों पर नींद से तरसाया करो। जो बदन इबादत करते हुए थकेगा, कब्र के अंदर उसको मीठी नींद सुना दिया जाएगा। जो आज आंखें अल्लाह की याद के लिए नींद से तरसाई जाएंगी, कयामत वाले दिन इन आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। आपकी आधा घंटा ला छोटे तो बड़ा है यार, वो बच्चे आगे हो जाते मेहरबानी अपने अपनी आप तकाजे दबा के जरा बैठे मेरे पास, इधर तशरीफ ले। वक्त कीमती है, कीमती बातें हो रही हैं, वक्त जाया है। बच्चों जरा मेहरबानी करो 15-20 मिनट मैं क्या जुमला कह रहा, जो आंखें आज नींद से तरसाई जाए कयामत वाले दिन इन आंखों से, कहोगे तो मैं अगला जुमला सुना सुना। मौलाना मेहताब साहब ये सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नतियों को जब अल्लाह अपना दीदार कराएगा, सबसे बड़ी नेमत कुरान, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। तवज्जो रखना, मैं एक जरा शीशी खोलने लगा। मूसा अलैहि सलाम कहने लगे रब्बे अरनी आवाज लन तरानी, आवाज आई लन तरानी, तू नहीं मुझे देख सकता। और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि कयामत वाले दिन अल्लाह आपको अपना दीदार कराएगा। नबी है, कुरान में जितना इल्म का जिक्र है, किसी का जिक्र है, हर पारे में मूसा का जिक्र है, कलीमुल्लाह फरमाया आ रहे हैं लन तरानी, तू नहीं देख सकता। एक मिनट मुझे दिमाग दे। मूसा अलैहि सलाम कहने लगे या अल्लाह चार चीजें होती, चार ना होती, क्या होता क्या ना होता। कलीमुल्लाह कहने लगे या अल्लाह जिंदगी होती, मौत ना होती, जन्नत होती, दोजख ना होती, अमीरी होती, गरीबी ना होती, सेहत होती, बीमारी ना होती। मैं आपको देखकर तकरीर कर रहा हूं, माए बहने तो दूर बैठी हुई, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो उनके पल्ले क्या पड़ेगा। चार चीजें होती, चार ना होती। कारी मेहता साहब सुन, आवाज आती है मेरे कलीम, अगर जिंदगी होती मौत ना होती फिर मेरा दीदार कैसे होता। मौत आएगी तो अल्लाह की ज्यादत, मौत भी नेमत है। कुल्लू मना लिया फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, आगे क्या है। आगे क्या है फाबी है, ये इस सूरत में 31 मरतबा फाबी है ये आला है। आप कहेंगे मौलाना बाप मर गया, बेटा रो रहा, बेटी रो रही है, बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, आप कहते हैं मौत नेमत है। मैं कहता हूं नेमत क्यों, कि इसके बगैर अल्लाह का दीदार नहीं होता। ऐसे एक और जुमला कह रहा महफिल है, मौत से पहले इत्तला का हो जाना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। मौत से पहले मौत की इत्तला मिल जाए कि तैयारी कर रहे, ये भी बहुत बड़ी।
बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी की रूह कब्ज करने के लिए जब आया मलकुल मौत, अल्लाह की अमानत वापस करो, तो वो नबी कहने लगा, यार तूने आना तो होता है, कम अज कम आने से पहले बता तो दिया करता कि अल्लाह की अमानत को हम पाक साफ करके उसके हवाले करें। बच्चे नहीं चुप करने पीछे, इन्होंने फारा भी कर दिया कि यार को बंदा बैठा मेरी तकरीर, मैं बहुत तेज जा चुके हैं लेकिन तो हम समझ नहीं आया, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए वरना समझ कर ताकि पाक साफ होकर अमानत उसकी हवा में। तो ये अमानत होता है, आने से पहले बता तो दिया कर। वो कहते हैं मैं आने से पहले चार तरीके से इत्तला करता हूं, तुम बेदार नहीं होते। कुर्तबी की रवायत है, किसकी इत्तला करता हूं? क्या इत्तला? उसने कहा मैं आने से पहले चार तरह इत्तला करता हूं। नंबर एक, क्या तेरा बदन कमजोर नहीं हो गया था? तेरी दाढ़ी सफेद नहीं हो गई थी? हो गई। मैं आने से पहले इत्तला कर रहा हूं तेरी बिनाई के अंदर, तेरी सुनवाई के अंदर, तेरी बुयाई के अंदर फर्क आ गया था या नहीं आया? आया था। तेरे दांत टूट गए थे, बाल तेरे सफेद हो गए, बालों की मौत आ गई, दांत टूट गया, दांत की मौत आ गए, तेरी आंखों की बिनाई चली गई, मौत जो है आंख की आ गई, तेरे कानों की सिमात चली गई, तेरी समझ ले के ये मौत आ गई, बोलने में जरा लुकनत आ गई, जुबान की मौत आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी तू बेदार नहीं हुआ। एक बाल उस माने गनी ने शीशे में, सैयदना उस माने गनी ने शीशा उठाया, एक बाल दाढ़ी में सफेद नजर आया, शीशा रख दिया, रोना शुरू किया। लोगों ने कहा क्या हो गया? कहने लगे मौत की इत्तला आ चुकी है, अभी तक उस माने गनी तैयारी नहीं कर सका। फिर कहो कारी मेहताब साहब 22 मरतबा 22 मरतबा जुबान नबूवत से निकला उस्मान, सारी दुनिया जन्नत को तलाश कर रही है, जन्नत मेरे उस्मान को तलाश कर रही है। एक बार या हजारों बार फिक्र फिक्र। दूसरी तरह मैं इस तरह इत्तला करता हूं, तेरा दोस्त फौत नहीं हो गया था, तेरा हम उम्र फौत नहीं हो गया था, हो गया तो ये मेरी इत्तला थी कि तैयारी कर ली, तो फिर नहीं जाता, मैं फिर होश में। नंबर तीन, मरने वाले को मरने से पहले इत्तला कर देना, यह भी बहुत बड़ी नेमत है। नंबर तीन, तेरे रिश्तेदारों के अंदर तेरी खाला का जनाजा उठा, फूफो का जनाजा उठा, मामू का उठा है, भाई का उठा है, तेरे जनाब रिश्तेदारों में ताए का जनाजा उठा है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें अपना फिकर नहीं आया, जैसे आपको नहीं आ रहा। नंबर चार, चौथी उत्तर, क्या तेरे घर से जनाजे नहीं उठे? तेरे घर से भी तो जनाजे उठे हैं, बीवी फौत हो गई, बच्चा फौत हो गया, नवासा फौत हो गया, नवासी फौत हो गई, ये चार में इत्तलाएं देता हूं मरने वाले, तू अब तैयारी कर ले, लेकिन इसके बावजूद वो तैयारी नहीं करता। मैं अचानक नहीं आता, मैं आने से पहले बता देता हूं मैं आ रहा हूं। किधर चला गया भाई मेहता साहब? मैं आप ही अगली बात करके अगर बात को पूरा कर दूं ताकि ईमान का सीधा। मूसा अलैहिस्सलाम
जिंदगी होती मौत ना होती। फरमाया फिर मेरा दीदार कैसे होता, मरने से पहले तो मुमकिन नहीं है, मेरा दीदार कैसे होगा। जब मैं और आप अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो इंशाअल्लाह। अब तवज्जो रखना जरा, मालिक कायनात के दरबार के अंदर जब बंदे पेश होंगे, मालिक फरमाएंगे जन्नतियों, दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेंगे ओ मेरे पैगंबर दाऊद, इन मेरे प्यारों को जरा जबूर सुना दे। आपकी सुबान जबूर सुनाओ, जब जबूर सुनाएंगे पूछो उलमा से, जब हजरत दाऊद पढ़ते थे परिंदे उड़ना छोड़ देते थे, दरख्तों ने झूमना शुरू कर दिया, पहाड़ हिलना शुरू हो जाते, इतनी अल्लाह ने सोनी आवाज उठा हसीनो जमी, अल्लाह फरमाएंगे मेरे मेहमानों को जरा जबूर सुनाओ। जब वो जबूर सुनाएंगे फिर अल्लाह जन्नतियों को कहेगा बताओ मुझे कभी ऐसी आवाज सुनी है। फिर मेरा अल्लाह, अब मजा आएगा, फिर मेरा अल्लाह आमना के लाल इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे मेरे महबूब अपने सारे महशर वाले और जन्नतियों को सूरह रहमान सुना दो। जब हुजूर पड़े पड़े सूरा खत्म होगी तो अल्लाह कहेंगे ऐसी आवाज सुनी है आज तक, कहेंगे नहीं सुनी। फिर जब हुजूर रहमान सुनाएंगे, हुजूर तो कुरान पढ़े तो वैसे जिन्नात कलमा पढ़ लेते हैं, जब हुजूर रहमान पढ़ेंगे हुजूर रहमान सुनाएंगे अल्लाह कहेगा सुनाओ जन्नतियों ऐसी कभी आवाज सुनी है तुमने। या अल्लाह नहीं सुनी, सुरूर आ गया, मजा आ गया, लूलू के अंदर कुरान दाखिल हो गया। फिर अल्लाह फरमाएंगे पहले दाऊद ने जबूर पढ़ी, मेरे महबूब ने रहमान पढ़ी है, अब मैं खुद तुम्हें सूरह इखलास सुनाता हूँ। क्या मंजर दो, अब मैं आखिरी बात पे आने लगा हूं कारी माता मारा मामूसा, ये तमीज मैंने सुनी। जब अल्लाह सूरह इखलास सुना लेंगे तो फिर अल्लाह अपना दीदार थोड़ा होने पर, फिर अल्लाह अपना दीदार कराएगा और साथ ये कहेगा हल रजी तुम मेरे बंदो, नमाजें पढ़ने वालों, मसाजिद मदारस बनाने वालों, उलमा से मोहब्बत करने वालों, चिल्ला चार महीना लगाने वालों, बच्चों को नमाजी बनाने वालों, हाफ़िज़े कुरान बनाने वालों, मैं सवाल करता हूँ मुझसे राजी हो गए हो। आपसे अगर नवाज शरीफ फैज राजी या इमरान सारे मदद के राजी रहा, तो जो अल्लाह क्या है अल्लाह हल रजी तुम, क्या तुम राजी हो। जी अल्लाह मियां राजी है, सांपों से बच गए, अजाब से बच गए, आग से बच गए, राजी है, जन्नत मिल गई है, मेहमान मिल गए, नौकर चाकर मिल गए, जन्नती गुलामों की मेरा अल्लाह कुरान में तारीफ कर रहा है, जब गुलामों का ये हाल है मालिक का क्या हाल होगा। बिल्कुल मैं सुभान अल्लाह बोला, मैं तो सबक सुना रहा हूँ, इनका मैं सुना रहा हूँ। अल्लाह जब अपना दीदार कराएगा पूछेगा राजी हो, हाँ अल्लाह मियां राजी है, आवाज आएगी हल होती कुम अफजल मिन जालिक, उलमा तो मेरी इस्लाह करेंगे मजा आपको भी आएगा, हल होती कुम अफजल मिन जालिक, मैंने जितनी नेमतें तुम्हें अता की है पूरे मिल गई है, गिलमान मिल गए हैं, रकबा मिल गया है, फिर नहर मैंने पानी दे दिया, शहद दे दिया है, शराब तुम्हें अता कर दी है, और फरमाया कि अब बताओ और भी कुछ लेना है तो मुझे बताओ, और मांगो और मांगो,
क्या मांगे तो इससे सब कुछ तो मिल गया है। अल्लाह फरमाते हैं और मांगो, तुम मेरे मेहमान हो और मांगो, जिस तरह हुजूर ने अबू हुरैरा से कहा था और पी लो, थोड़ा ऐसा करो। मुझे इससे गलत नहीं कि मजमा थोड़ा ज्यादा, मैंने सबक सुना है, सुना है सुबह अबू हुरैरा से कहा और पी लो और पी लो। अल्लाह कहते और मांगो और मांगो। फिर मशवरा होगा उलमा में, मौलवियों के पास आना पड़ेगा। इलम की यहां भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। उलमा के पास मशवरा होगा। अल्लाह कहते हैं मांगो मांगो, अब क्या मांगना है। मशवरे में पास हो जाएगा, या अल्लाह सब कुछ मिल गया है, अब अपना दीदार ही करा दे। जब मेरा अल्लाह दीदार कराएगा, फिर साथ ही ऐलान कर देगा, फिर साथ ही ऐलान कर देगा। बुखारी शरीफ उठा कर देख लीजिए, अल्लाह फरमाएंगे हमेशा के लिए हराम हो चुकी है। 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगा, कल अदम नहीं करार दिया जाएगा। जब तक मैं रहमान हूँ जन्नत में तुम मेरे मेहमान रहोगे। आपका नाम रात भी बैठे थे। अब मैं कारी मेहताब सब आगे चलना चाहता, इसलिए मैं कहता हूँ मकसद जिंदगी को समझो, मकसद हयात। ये खाना, ये पीना, ये बाथरूम जाना, ये तो जरूरत है, मकसद तो और है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को राजी करना। कह दे मेरे जुमला, औरतें शायद ना समझ सके, वो को दूर बैठी मैंने आपको समझा दिया। ये घड़ी जो है वाटर प्रूफ है, अमेरिका ने बनाई या स्विट्जरलैंड वालों ने बनाई, उनका दावा है क्या? ये वाटर प्रूफ है, पानी के अंदर डाल दो बाल्टी में, पानी ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, इसके दाएं भी होगा बाएं भी होगा, लेकिन अंदर माशाल्लाह ऐसा जुमला होगा ईमानदार, अंदर नहीं जाएगा। ये अमेरिका ने बनाई है दावा होगा। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा बन जाता है मैं उसका दिल गम प्रूफ दिल बना देता हूँ। गम आगे भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, यहाँ नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि यहाँ मेरा डेरा लग चुका है। एक और बात कर लेते, किसी अल्लाह वाले से पूछा गया था आपके पास कितना सोना है? किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है। लोग आपको अमीर कहते हैं, एक तबलीगी जमात का अमीर होता है, कितना सोना है? मेरे पास तो सोना नहीं है। नहीं है तो लोग आपको अमीर कहते हैं, कह देंगे वो अल्लाह वाले कहने लगे मेरे पास सोना नहीं है, सोना बनाने वाला मेरे दिल में रहता है। बड़ा ऊंची कह रहे हैं, रोटी तो हमें खिला दी हमने राशिद भाई ने, अब आपके जिम्मे तुझे तो सुबाना नहीं रहेंगे, वो तो कह दो सबसे मुश्किल काम तो उसने कर दिया है, सारा चक्कर तो रोटी का है, जुमानत का गौ। लोग मुझे अमीर इसलिए कहते हैं कि सोना बनाने वाला मेरे दिल में रहता है। अब मैं आपसे कहता हूँ जो अल्लाह पहाड़ों के नीचे से सोना निकालता है, जो अल्लाह समुद्रों के अंदर से मोती निकालता है, जब वो अल्लाह तेरे मेरे दिल में आ जाएगा, तेरे दिल की क्या कैफियत होगी?
पंजाबी च कह चुके हूं मैं लख रुपए का शेर सुना लगा तुम 50,000 ही दे देना मुस्कुराहट तो दियो आसमानों का पानी भी मेरी तकरीर सुनने के लिए आ रहा है लेकिन आप डस से मत नहीं हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो तो मेरा कौन आवाज अल्लाह बाहर वालों को पता चल जाए जो तू मेरा तो सब मेरा जो तू मेरा तो सब मेरा फलक मेरा जमीन मेरी जो तू मेरा तो सब मेरा फलक मेरा जमीन मेरी अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शै नहीं मेरी मकसद जिंदगी मकसद हयात को समझो मकसद क्या है एक और जुमला है इमाम अल औलिया शेख अल तफसीर हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह सब कह दो रहमतुल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ो दरस कुरान देकर 45 साल उन्होंने दर्स दिया नागा ईद के बगैर कोई नहीं था ईद के बगैर 45 साल दरस कुरान देकर शहर के एक चौक में पहुंच कर खड़े हैं एक अल्लाह वाले खड़ा था उसने कहा अहमद अली इंसान कहां रहते हैं हजरत के इंसान ही लाहौर का चौक है 100 बंदा इधर जा रहा है 100 इधर जा रहा है 100 इधर जा रहा है ये इंसान ही इंसान उन्होंने हजरत की आंखों पर जो तवज्जो डाली तो हजरत ने देखा कोई बंदर जा रहा था कोई सूअर जा रहा था अल्लाह वाला तो चला गया हजरत की हालत जब ठीक थी तो फिर ये दर्स में सुनाया करते थे वो मैं आपको सुना जो जो मालिक तो सबका एक मालिक का कोई एक अभी नहीं पहुंचे मालिक तो सबका एक मालिक का कोई एक हजारों में न मिलेगा लाखों में तू दे लाखों में कोई एक औरत एक मर्द ऐसा होता है जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक खुदा का बना हुआ होता है इसलिए मैं कहता हूँ मकसद जिंदगी को समझ लो गंदे बर्तन में गंदे बर्तन के अंदर तुम दूध नहीं डालते गंदे दिल में रहमान अपनी मार्फत का नूर कैसे दाखिल कर देगा जहाँ गंदी जगह पे इंसान नहीं बैठता गंदे दिल में रहमान कैसे आ जाएगा इसलिए अल्लाह फरमाते हैं आ मकसद जिंदगी को समझ मैंने तेरे लिए बहुत कुछ बनाया वलकुम फीहा जमाल हीन तुरीहून वहीन तसराहून वतहमिलु अस्कालकुम इला والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا अगर हम अपने जगहों पर ही सब आपकी नजर करने जब या अल्लाह सवाल या अल्लाह जब मैं जिंदगी के मकसद को समझकर जिंदगी गुजारूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा तो मैं पैरों को देख लो पहलों को देख ले जिन्होंने मकसद जिंदगी को समझकर जिंदगी गुजारी थी हवा उनकी नौकर बन गए जलजले उनके नौकर बन गए अफ्रीका के जंगल के शेर उनके नौकर बन गए वो 313 हजारों पे गालिब आ रहे वो
जिधर जाते हैं फुतुहात उनके कदमों को बोसा दे रही है, वो जिधर जाते हैं दुश्मन के दिल में रोह पैदा हो जाता है। इसलिए उनकी छड़ियों को मैंने तलवारें बना दिया था। वो दरिया के किनारे जाते हैं, दरिया को खिताब करके कहते हैं हम कोई अपने लिए लड़ने जा रहे हैं, हम तो उसके लिए लड़ने जा रहे हैं, हमारे रास्ते में क्यों रुकावट है। दो नफल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दरिया के अंदर अल्लाह ने मोटरवे बना दिया, अल्लाह ने मोटरवे बना दिया। सहाबा जा रहे हैं, किनारे पर पहुंचे, अमीर कहने लगा, काफले का कमांडर इन चीफ कहने लगा, साज मने अभी वकास ऐलान कर रहे हैं, किसी फौजी की कोई चीज दरिया के अंदर तो नहीं रह गई। एक कहने लगा हजरत मेरा प्याला रह गया है, मेरा प्याला रह गया है। हजरत ने हुक्म फरमाया, दरिया हमारा प्याला वापस कर दे, तूने इसे क्या करना है, ये तो हमारे पास रसूलुल्लाह की निशानी है। तू कहते क्या मिले, खुशक दरियाओं को उन्होंने खत लिखा, पंजाबी चलना तो चल वरना चल, और ऐसा चले बात क्या थी भाई साहब, लिख लो बात क्या थी। नलूमो ईना से चंद बेतरबियत ऊंटों के चराने वाले जिनको काफूर पे होता था निमक का धोखा, बन गए दुनिया को अक्सीर बनाने वाले। देखने को निकल आई खुदाई सारी, घर से जो निकले मोहम्मद के घराने वाले। या अल्लाह ये तो पिछले लोगों की बात है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। पर मैं मेरे मुताबिक तू जिंदगी गुजार दे, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारें भी दूंगा, बहारें भी दूंगा, तेरे मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र के अंदर नूर भी लाऊंगा। मुझे क्या मिलेगा जो औरतें दर्द सुनने के लिए आई यहाँ पे, सामने रख कर जिंदगी गुजार, मैं तुम्हें नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा, मैं तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा, और तेरे गुलामी वाले सर के ऊपर मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। इसलिए तो मैं कहता हूं तब्दीली ले आओ, कोई पता नहीं कड़ी तब्दीली की गल, वो तो आ चुकी है, बाकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। बिजली का बिल आपको आता है तो काजी साहब को भी आता है, सामने तो और ज्यादा देते हैं बिल। मस्जिद में कोई टीवी नहीं होता, उसका बिल भी लगा हुआ होता है, पागल दुनिया। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं तब्दीली ले आओ, इंकलाब ले आओ, रुजू करो अल्लाह की तरफ, बस करो बस करो बस करो। मौत की अलामात जो है उसकी इत्तला जो है बोलो आ चुकी है, क्या है, लेकिन हम बेदार नहीं हो। जमीन बदली, जमा बदले, मकी बदले, मकान बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। जमाने की रोशनी बदली, जमीन और आसमान बदले, न बदला फिक्रे इंसानी को, फिर बदला तो क्या बदला। तवज्जो, बदलना है अगर तुझको बदल जैसे उमर बदले, बदलना है अगर तुझको बदल जैसे उम्र बदले, न बदला पूछ तो फिर बदला तो क्या बदला। जिंदगी के मकसद, बाकी मेरे रह गए 5-7 मिनट, जिंदगी के मकसद को समझ कर जिंदगी गुजारो, फिर अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं इंडिया गया हूं, तफसीलात में नहीं जाना चाहता,
इंडिया। मैं हजरत थानवी की कब्र पर गया, शेख अलाउद्दीन की कब्र पर गया, मौलाना कासिम नानूतवी की कब्र पर गया, मौलाना रशीद अहमद गंगोई हाफिज सामद की कब्र पर गया। तफसीलात का वक़्त नहीं, मैं जरा शायद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जो अल्लाह के वली हैं, आए तो अकेले थे, जनाजा उठा तो 90 लाख को कलमा पढ़ा के चले जाए, उनकी कब्र पे गया। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना, उनकी कब्र पर भी फातिहा पढ़ते थे। ये जब दुनिया से जाने लगे, खुलफा को बुला लिया, मुरीदों को बुला लिया, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा जनाजा वो पड़ा है जिसमें 4 शरायत पाई जाए। कितनी? अरे बोलो, बहुत हो गए। जनाजा स्टेडियम में पहुंचा, कीड़े मकौड़ों की तरह लोग, हजारों की तादाद में लोग, एक खलीफा खड़ा होता है, हजरत ऐलान सुन, जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने 4 शर्तें पाई जाएंगी। ऐलान होता है नंबर 1, वो जनाजा पढ़ा है जिसकी जिंदगी भर असर की पहली 4 सुन्नतें भी कजा नहीं होती। कहो अल्लाह, पढ़ लो तो स्वभाव है, ना पढ़ो तो गुनाह। जिंदगी भर जिसकी असर की पहली 4 सुन्नतें कजा ना हुई हो। नंबर 2, वो जनाजा पड़ा है जिंदगी भर जिसकी तकदीर ऊला फौत ना हुई हो। नंबर 3, वो जनाजा पड़ा है जिंदगी भर जिसकी तहज्जुद की नमाज कजा ना हुई हो। नंबर 4, मेरा जनाजा वो पड़ा है जिसने बालिग होने से लेकर अब तक किसी को मैली आंख से भी ना देखा हो। अब सारे घेरे बांध में देख रहे हैं, बड़े बड़े अकाबिर शुयूख उलमा कुर्रा आजाद खड़े हैं, 2 हैं, 2 नहीं, 3 हैं, 1 नहीं, 1 है, 3 नहीं है, कोई आगे नहीं जा रहा। जोहर हो गई, असर हो गई, मगरब हो गई, ईशा हो गई, रात के 10:30 का वक़्त हो गया, कोई मुसल्ले पे नहीं जाता, शरायत पूरी नहीं हो रही, जनाजा कौन पढ़ाए। एक आदमी सफों को चीरता हुआ आ रहा है, चीरता हुआ आया, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, आया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने कहा, कफन का कपड़ा चेहरे से हटाया, पेशानी पर बोसा दिया, कपड़ा डाल दिया और कहने लगा, ओ अल्लाह के वली, अगर तेरे जनाजा पड़े रहने का मुझे फिक्र ना होता, अल्लाह की कसम मैं अपनी इबादत से पर्दा ना उठाता। छुपाते हैं, अजीत 4 लफ़ पढ़ लिए बड़ी बंदे अंदर ऐसे बात है, जरूरी थोड़ी है, आज मैं 3 सपाने पास है, जिसके लिए पढ़े वो तो जानता है। हटाया, बोसा दिया, तेरे जनाजा पड़े रहने का फिक्र ना होता, मैं अपनी इबादत से कपड़ा ना हटाता। दूसरा जुमला कारी मेहताब साहब, तू तो दुनिया से जा रहा है, मुझे रुसवा करके जा, मुझे नंगा करके जा रहा है, तू दुनिया से जा रहा है, मुझे नंगा करके जा रहा है, कपड़ा सही किया, ऐलान करता है हजरात सफे दुरुस्त फरमाने, अल्लाह हजरात सफे दुरुस्त फरमाने, अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 शर्तें मेरे अंदर पाई जाती हैं जो मरने वाले ने कैद लगाई है, सफे दुरुस्त फरमाए। लाखों का मजमा जब सफे दुरुस्त होती हैं, लोग एड़ियां उठाकर देखते हैं मुसल्ले पे कौन खड़ा हो गया, कोई कारी है या आलम है या शेखुल हदीस है। जब नजरें उठाकर देखा, एड़ियां उठाकर देखा, मुसल्ले पर जनाजा वक्त का बादशाह सुल्तान सैयद अल्तमश पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। न्याय कैसी होती, बादशाह है असर की पहली 4 सुन्नतें, जिंदगी बड़ी छोटी, साड़ी मरले दी दुकान पंजे हजार दाल साग के मजे ने बर्बाद कर, अजान हो रही है, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, बादशाह है तकबीर उला फात नहीं,
तहज्जुद कज़ा नहीं, मैं भी आंख से किसी को ना देखा। अल्तमशिश का नाम है ये जनाजा पढ़ाता हूं, रहमतें नहीं उतरी। मकसद जिंदगी को समझो कि मकसद जिंदगी क्या है, इसलिए फरमाया मकसद जिंदगी को जिंदगी अगर तू गुजारेगा फिर मरते वक्त तेरे पास कोई भी नहीं होगा, खुद ब खुद तेरी जुबान पे जारी कर दूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतनी आवाज ला इलाहा कौन मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रायविंद पर एक शेर सुन लो, रायविंद है मरकज वली, रायविंद है मरकज बलियां दा, है वो बाग इस्लामी कलियां दा, है वो बाग इस्लामी कलियां दा, है आवाज़ा उस दिया गलियां दा, पढ़ो ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। मेरी आपकी हाजिरी जितनी माए बहने आई है अल्लाह इस रंग में हाजिरी कबूल करे, अल्लाह इस हाजिरी की बरकत से सबको अपने घर की